नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। स्पीच के दौर में सोशल मीडिया भी फास्ट है। तस्वीर और वीडियो वायरल होने में यहां बिल्कुल देर नहीं लगती। कुछ को तो आप भी फॉरवर्ड करने में देर नहीं लगाते होंगे बिना ये जाने कि इस तस्वीर या वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये सच है या फिर झूठ। किसी भी तस्वीर या वीडियो का फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि बिना सोच ढूंढे और सच्चाई जाने सही या गलत के नतीजे पर पहुंचना समझदारी नहीं है। और ऐसी ही वायरल खबरों की हम करेंगे पड़ताल और दिखाएंगे आपको उस खबर का पूरा सच। रूस और यूक्रेन में जंग खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। रूसी सेना को अब तक कीव पर जीत नहीं मिल सकी है, लिहाजा यूक्रेन की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर करने की जिद पर अड़ी रूसी सेना ने हमले और तेज कर दिए हैं। लेकिन यूक्रेन के हौसले के आगे रूस अपनी रणनीति को कामयाब नहीं बना पाया है। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर रूस को समर्थन देने के लिए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिक युद्ध में घायल होने का नाटक कर रहे हैं। फैक्ट चेक टीम ने भी वायरल हो रहे दावे की पड़ताल की है, जिसके जरिए क्या सच सामने आया है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सैनिक युद्ध में घायल होने का नाटक कर रहे हैं। वीडियो में एक लड़की सैनिक का यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़के के चेहरे पर चोट और खून के निशान मेकअप के जरिए बनाते हुए नजर आ रही है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये नया प्रोपेगेंडा है रूस के विरुद्ध नैरेटिव बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि मीडिया वाले जो दिखाएं वो सच ही हो, प्लांटेड होने की पूरी संभावना है। वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। यूक्रेन की नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वायरल वीडियो हमारे सामने भी आया। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक जंग जारी है। रूस लगातार हमले पर हमले कर रहा है। आसमान से लेकर जमीन तक बारूदी शोर ही शोर है। रूस एक के बाद एक यूक्रेन के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले चुका है। इस जंग में कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन के अदम्य हौसले की वजह से रूस अभी भी यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जे में नहीं ले पाया है। इन सब के बीच इस वीडियो का वायरल होना कई सवाल खड़े कर रहा था। मसलन, क्या वाकई यूक्रेनी सैनिक युद्ध में घायल होने का नाटक कर रहे हैं? वायरल वीडियो कब का है? या वीडियो के जरिए नई कहानी गढ़ यूजर्स को गुमराह किया गया? इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो के कई ग्रैब्स निकाले और उन्हें गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ा एक ट्वीट इंग्लैंड के पत्रकार जय बीचर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 8 मार्च 2020 को पोस्ट मिला। पत्रकार जय बीचर ने एक यूजर को रिप्लाई करते हुए बताया है कि ये वीडियो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर का नहीं है, बल्कि फिल्म की एक शूटिंग का है। इस जानकारी के आधार पर हमने गूगल पर कुछ कीवर्ड्स के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी कुछ अन्य तस्वीरें एक ट्विटर अकाउंट पर 7 दिसंबर 2020 को अपलोड हुई मिली। कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो साल 2020 में हुई क्वांटमन सीरीज के शूटिंग के दौरान का है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट यूक्रेन के एक फोटोग्राफर आर्टेम गोज्दकोव के फेसबुक अकाउंट पर प्राप्त हुई। आर्टेम गोज्दकोव ने वायरल वीडियो की तस्वीरों को शेयर करते हुए दावे को गलत बताया है। साथ ही ये भी बताया है कि वो इस सीरीज के शूटिंग का हिस्सा थे। उन्होंने वायरल वीडियो से जुड़े कई दृश्यों की तस्वीरें भी खींची थी।
जिन्हें अब गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। वीडियो साल 2020 में हुई क्वांटमन सीरीज के शूटिंग के दौरान का है। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिसकर्मी गुलेल से किसी को मार रहा है। साथ ही साथ इस फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि सवाल पूछने के कारण पुलिसकर्मी पत्रकार को गुलेल मार रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर इसी दावे के साथ शेयर की जा रही है, लेकिन अब फैक्ट चेक टीम ने खबर की पड़ताल की तो क्या नतीजा सामने आया, देखिए रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो और तस्वीरों के साथ कई पोस्ट सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन आजकल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है जिसमें पुलिस का एक अधिकारी गुलेल ताने हुए खड़ा है। इस पोस्ट के जरिए दावा है कि एक रिपोर्टर ने जब युगांडा के पुलिस अधिकारी से सवाल पूछा तो उसे पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसने रिपोर्टर पर गुलेल तान दी। घटना युगांडा की बताई गई है। पुलिस विभाग की कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पुलिस विभाग की उनके काम की वजह से तारीफ नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को जिसने देखा वो सकते में आ गया। ऐसे में हमारी नजर भी वायरल तस्वीर पर पड़ी तो हमने इस तस्वीर की सच्चाई जानने के लिए जांच शुरू की। कहां की है ये तस्वीर, क्यों पुलिस वाला गुलेल ताने खड़ा है, क्या है इस तस्वीर से जुड़ा मामला, रिवर्स कीवर्ड के जरिए हमने वायरल तस्वीर की तहकीकात शुरू की तो हमें युगांडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो मिला जो 13 अप्रैल 2021 को युगांडा के यूट्यूब चैनल UBC यानी युगांडा ब्रॉडकास्ट सर्विस पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो में युगांडा पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि वो एक आपराधिक गिरोह की जांच कर रहे थे। उनकी जांच में यह खुलासा हुआ कि कुछ आतंक परस्त लोग गुलेल का इस्तेमाल देश को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस प्रवक्ता फ्रेड एनांगा ने कहा कि इस मामले में संदिग्धों को पकड़ा गया था और पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही थी। More of these factory-made catapults that are out there in the public. इस YouTube वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी कैसे गुलेल की क्षमताओं के बारे में मीडिया को बता रहे हैं। साथ ही एनांगा ने यह भी बताया कि अपराधी प्रोजेक्टाइल और बियरिंग्स का इस्तेमाल गुलेल के जरिए करते रहते हैं जिससे लोगों की जान तक चली जाती है। Inter security agencies have embarked on investigations into new terrorism activities being spearheaded by a new criminal gang. इस वीडियो से ये तो साफ हो गया पुलिस अधिकारी पत्रकार को डरा या धमका नहीं रहे थे बल्कि गुलेल की खासियत बता रहे थे, लेकिन युगांडा के पुलिस अधिकारी के इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी पड़ताल में ये साबित होता है कि वायरल तस्वीर किसी भी तरीके से सही नहीं है, तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा गलत है, किसी सोशल मीडिया यूजर ने तथ्यों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। चैन कुंडू के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक योगेश सागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है जिसके जरिए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि वो मुंबई के कांदिवली में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं और पुलिस के सड़क बंद करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब फैक्ट टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल की है तो सच कुछ और ही सामने आया है, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चर्चा में रहने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते, विवादित बयान तो अक्सर सुनने को मिल जाते हैं,
कभी हरकतें भी ऐसी हो जाती हैं जिससे भले ही उनको कोई फर्क ना पड़े लेकिन जनता की मुसीबत जरूर बढ़ जाती है। महाराष्ट्र में जब से कांग्रेस शिवसेना एनसीपी की सरकार आई है तब से वो किसी ना किसी मुद्दे पर सुर्खियों में रहती है और बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों और बीजेपी की सियासी सहमत के बीच बीजेपी विधायक योगेश सागर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसके जरिए दावा ये किया जा रहा है कि विधायक योगेश मुंबई के कांदिवली में नमाज के लिए पुलिस के सड़क बंद करने का विरोध कर रहे थे। पोस्ट के जरिए ये बताया जा रहा है कि ये घटना 18 फरवरी की है और इसे सोशल मीडिया पर 20 फरवरी को अपलोड किया गया जिसमें विधायक योगेश सागर ने खुले स्थान में नमाज पढ़ने का विरोध किया था। वीडियो वायरल होने पर फैक्ट चेक टीम ने इसकी जांच करने की ठानी। मुंबई में पुलिस सुरक्षा में सड़क पर नमाज की इजाजत क्यों दी गई? नमाज के लिए पुलिस ने व्यस्त सड़क को क्यों बंद कर दिया? क्या सच में बीजेपी विधायक ने सड़क पर नमाज का विरोध किया है? वायरल वीडियो के साथ जो कैप्शन दिया गया है उसके आधार पर हमने इसे इंटरनेट पर खोजा तो हमें कई जगह ये वीडियो मिला जैसे कि महाराष्ट्र बीजेपी और विधायक योगेश सागर के ट्विटर अकाउंट्स पर। इसमें कहा गया था कि 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि कोरोना की पहली लहर के दौरान कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों को दिल्ली और मुंबई छोड़ने को कहा था जिसके विरोध में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने 14 फरवरी को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के घर की ओर एक विरोध मार्च का आयोजन किया और 16 फरवरी को मुंबई उत्तर के सांसद गोपाल शेट्टी की आवाज पर प्रदर्शन की घोषणा की थी जिसकी वजह से पुलिस ने बैरिकेटिंग करके सड़क को बंद कर दिया था। हमने जांच की तो पता चला कि वायरल वीडियो कांदिवली में शूट किया गया था क्योंकि पुलिस की जो बैरिकेटिंग है उस पर कांदिवली पुलिस स्टेशन लिखा है और सड़क पर एक बोर्ड लगा है जिस पर राइडर्स पॉइंट लिखा है जो कार खरीद बिक्री की दुकान है और इसी से सटा एक मोबाइल का टावर भी दिख रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि घटना रघुलीला रोड पर हुई है। इससे पुष्टि होती है कि वीडियो कांदिवली में शूट किया गया था जैसा कि पोस्ट में दावा किया गया है। पूरी क्लिप को ध्यान से सुनने पर कोई भी नमाज या फिर किसी धार्मिक मामले का जिक्र नहीं है जबकि विधायक योगेश को शिवसेना को धमकी देते हुए और इससे लोगों को होने वाली समस्याओं की आलोचना करते हुए सुना जा सकता है। रास्ता बंद करायचा नाही, तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना सांगा तुम्ही बंद करता, मी ड्रायव्हर सेटअप बंद करतो, आमच्या अधिकाऱ्यांना बंद करा प्लीज। व्हिडिओ में ना तो उनके पक्ष से किसी ने और ना ही पुलिस ने नमाज का कोई जिक्र किया। कई और रिपोर्ट्स में ये मिला कि पुलिस ने कांदिवली के प्रमुख इलाकों में प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया और बैरिकेड्स लगा दिए थे जिससे जनता को काफी तकलीफ हो रही थी जिससे बीजेपी विधायक नाराज हो गए थे। वायरल वीडियो की पुष्टि के लिए हमने विधायक योगेश सागर से भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा आरोप उनके संज्ञान में आया है लेकिन उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सांसद गोपाल शेट्टी के घर की ओर एक रैली की योजना बनाई थी। पुलिस ने स्कूल, कार्यालयों, आवासीय भवनों, मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था तो मैंने पुलिस से पूरे इलाके और सड़कों को अवरुद्ध करने के बजाय गोपाल शेट्टी के आवास को कवर करने और उनकी रक्षा करने के लिए कहा। पुलिस के इस कदम से जनता को असुविधा हो रही थी। इस घटना का नमाज या फिर किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे इन अफवाहों के बारे में पता चला तो मैंने सोशल मीडिया पर वास्तविकता बताई थी। जब विधायक की बात की जांच की गई तो हमने पाया कि वही वीडियो योगेश के सोशल मीडिया पेज पर 16 फरवरी की दोपहर को अपलोड किया गया था। वीडियो को उसी दिन मुंबई बीजेपी के आधिकारिक पेज पर भी शेयर किया गया था। पार्टी ने योगेश सागर की साझा की गई कहानी को भी दोहराया और सड़क पर नमाज का विरोध करने का उल्लेख नहीं किया। हमारी पड़ताल से ये साबित होता है कि बीजेपी विधायक योगेश सागर की पुलिस नियमों के खिलाफ नाराजगी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी। कांदिवली में उनकी नाराजगी का नमाज से कोई लेना देना नहीं था। वो तो पुलिस के एक्शन का विरोध कर रहे थे जिससे जनता भी परेशान हो रही थी। लखनऊ से संजना सक्सेना के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ट्रेंडिंग खबरें। खबरों में होंगी वो खबरें जो वायरल की दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं। और अब कुछ वायरल खबरों की तरफ रुख करते हैं। कुछ तस्वीरें आपको गुदगुदा जाती हैं, कुछ तस्वीरें देखकर आपको सुकून मिलता है, कुछ तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाते हैं वायरल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया की याद आ गई। वायरल हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे ई रिक्शा के अलावा कई कारें पार्की हुई हैं। वहीं एक आदमी कहीं जा रहा होता है, जैसे ही ये आदमी ई रिक्शा के पास से गुजरता है गाड़ी अचानक चलने लगती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, ई रिक्शा एकदम से उसकी ओर घूमते हुए कार से टकरा जाती है। इस दौरान भी वो ई रिक्शा को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। सोशल मीडिया पर डांस का ये वीडियो खूब चर्चा में है। 3 महिलाएं पेरिस में एफिल टावर के सामने ढोलीडा गाने पर जोरदार डांस मूव्स दिखाते नजर आती हैं। वायरल हुए वीडियो में मानसी पारेख नाम की इंस्टाग्राम यूजर और उनकी दो दोस्तों को साड़ी और स्नीकर्स में पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ और एफिल टावर के सामने खूबसूरत डांस करते देखा जा सकता है। तीनों ने ढोलीडा गाने का हुक स्टेप बखूबी निभाया है। उनके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। यही चीज उनके डांस को और भी खूबसूरत बनाती है। अक्षरा व्हाइट लुंगी और व्हाइट शर्ट में डांस फ्लोर पर आग लगा रही है। वीडियो में अक्षरा के साथ उनकी एक पार्टनर भी नजर आती है। काले चश्मे में दोनों ने अपने कातिलाना स्वैग से फैंस का दिल जीत लिया है। बवंडर का वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खुली जगह पर ढेर सारी कुर्सियां सजाकर रखी हुई हैं और वहीं पर एक छोटा सा बवंडर उठा हुआ है। ये बवंडर इतनी तेजी से गोल गोल घूम रहा है कि पास रखी कुर्सियों को भी उसने अपने साथ गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया है। जितने भी कुर्सियां वहां पर सजाई गई थी सबको उसने तहस नहस कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बवंडर कितना तेज है। अगर उस वक्त कोई इंसान भी उसके बीच में आ जाता तो वो उसे भी उड़ा देता। जंगल के राजा शेर से सभी जानवर डरते हैं, मगर शेर ही डरने लगे तो क्या कहेंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शेर भैंसों से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शेर पेड़ पर चढ़ने की लगातार कोशिश कर रहा है। पेड़ के नीचे कई भैंस खड़ी हैं। जंगल का शेर इन्हीं भैंसों से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है। शेर को डर लग रहा है कि कहीं भैंस मार न दे।